हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि आप कभी भी आप रेलवे खिड़की पर जाकर स्टेशन पे या आप खुद से अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन से आप जिस स्टेशन पर जाना चाहते हैं आप बुकिंग करने जा रहे हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है। और बाय द वे आप कोई और भी ट्रेन में सर्च मार कर देख रहे हैं तो आपको उसमें भी वेटिंग लिस्ट टिकट शो हो रहा है। तो मैं आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो जैसे कि आपको बता दूं कि अगर आप जिस भी स्टेशन से टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं उस स्टेशन से दो चार स्टेशन आगे से आप अगर बुकिंग करवाते हैं तो आपको 100% सीट कन्फर्म मिल सकती है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं तो आप अपने स्टेशन से चार पांच अगला स्टेशन जो होती है बड़े बड़े स्टेशन या कोई कोई गाड़ी आती है जो आपके जहां से आप पकड़ने वाले उसके दो चार स्टेशन के बाद, तो आप वहां से डायरेक्ट वहां से लेकर आप जहां तक जर्नी करना चाहते हैं वहां तक का टिकट सर्च करके आप कन्फर्म सीट ले सकते हैं। बस यही होगा कि आपका 100-150 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको सीट तो कन्फर्म मिल जाएगी ना। और आप वहां से बुकिंग करके आप अपना बोर्डिंग चेंज करवा सकते हैं बिल्कुल, और आसानी से आप ट्रेवल्स कर सकते हैं। सो मैं आप सभी को यही जानकारी देने वाला था इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ कि आप कैसे आप अपना टिकट बुकिंग करवा सकते हैं अपने पास के स्टेशन छोड़ के दूसरे स्टेशन से बुकिंग करने के बाद अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करके आप उस स्टेशन हैं। सो चलिए मैं आप सभी को एक बार IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करके आप सभी को मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं मैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर चुका हूं। तो मैं जैसे कि बनारस टू हावड़ा एक टिकट बुकिंग करने जस्ट बुकिंग नहीं आपको सर्च करके दिखा रहा हूं। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं बनारस टू हावड़ा मैं टिकट सर्च कर रहा हूं, मुझे बनारस से गाड़ी पकड़नी है और हावड़ा के लिए जानी है। तो आप देख रहे हैं मैं सर्च कर चुका हूं और मुझे विभूति एक्सप्रेस मेरे लिए बेस्ट होता है। शाम को 6:05 में बनारस में आती है, ये सबसे बेस्ट ट्रेन मेरे को लगती है। इस ट्रेन एकदम परफेक्ट टाइम से चलती है। तो इस ट्रेन में आप देख पा रहे हैं 31 मई को 53 वेटिंग लिस्ट, 1 जून को 40 वेटिंग लिस्ट और 2 जून को 58 वेटिंग लिस्ट, 3 जून को 64 वेटिंग लिस्ट। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल वेटिंग लिस्ट टिकट शो हो रहा है और आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ट्रेन कहाँ से आ रही है। तो ये ट्रेन प्रयागराज रामबाग से आ रही है। इसके बाद देखिए मतलब मेरा जो स्टेशन है वो बनारस जंक्शन है, मतलब जस्ट 2 स्टेशन आगे प्रयागराज रामबाग स्टेशन है। तो मैं एक बार वहाँ से टिकट सर्च करके देख रहा हूँ कि वहाँ से टिकट अवेलेबल मिलता है या नहीं। तो उस स्टेशन का नाम क्या था, प्रयागराज रामबाग। तो मैं प्रयागराज रामबाग सर्च कर दिया हूँ सेम डेट पे। तो वो ट्रेन का नाम था विभूति एक्सप्रेस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो ट्रेन ये है। आप देखिए मैं यहाँ पे स्लीपर में सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 31 मई को देखिए आपको 112 टिकट अवेलेबल दिखा रही है, 1 जून को 47 सीट अवेलेबल है, 2 जून को 80 टिकट। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि कितना इजीली आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बस कोई डिफरेंट नहीं है, 50-100 रुपये का डिफरेंट है, आपको कन्फर्म सीट मिल सकती है। सेम इसी तरह से आप भी अपना जर्नी टिकट बुकिंग कर सकते हैं, वो भी ईजिली। आपको एक ट्रेन में अगर खाली नहीं रहेगा तो दूसरे ट्रेन में 100% खाली ही खाली रहेगा और आप कंफर्म सीट बुकिंग कर सकते हैं। आपको कोई तत्काल टिकट का वेटिंग करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको 50-100 रुपया एक्स्ट्रा ही लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। तो सो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को ऐसा बुकिंग करवाना होगा तो आप रेलवे काउंटर पर भी जाकर ऐसा करवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप खुद से बुकिंग करने नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक IRCTC का ऑथोराइज एजेंट हूं तो मैं आप लोगों का बिल्कुल फ्री में हेल्प कर सकता हूँ। सो आई होप आप सभी को हमारा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाते